हेलो दोस्तों, आज वीडियो हम बताने वाले, मेरे पास ये मॉडल है आईटेल का, वो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ऑटो चार्ज हो रहा है बिल्कुल भी, चार्ज नहीं लगा है फिर भी ऑटो चार्जिंग हो रहा है। आप देख सकते हो लाइव प्रूफ आपके सामने, देखो यहाँ पर कुछ भी मेरा चार्ज नहीं लगा है फिर भी ऑटो चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा बताएंगे कैसे इसको सही करना, कैसे इसको करना रिपेयर। ठीक है, तो स्टेप बाई स्टेप पूरा बताएंगे इस वीडियो में आपको। और जो बंदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर देना। ठीक है, तो ये वाली समस्या आ रही है इसमें, तो ये समस्या कैसे आती है आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वाटर, मतलब जो कि आप पानी में गिर जाता है वाटर डैमेज के कारण आती दिक्कत आती है। तो आप उन्हें खोल के देख लेते हैं क्या क्या मिस्टेक है इसमें, जो भी मिस्टेक होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा मोबाइल को अपन एक बार फिर आपको चेक करा देता हूँ। देखो यहाँ पर लगाया बैटरी मैंने, बैटरी लगाने से पहले देखो यहाँ ऑटोमेटिक चार्जिंग। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऑटो चार्ज हो रहा है यहाँ पर। ये वाली समस्या आ रही है आईटेल मोबाइल में, तो इसमें मैं जो इसका मदरबोर्ड है इसको खोल के इसको देख लेता हूँ क्या समस्या आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से बड़ा इसी मोबाइल मदरबोर्ड को बाहर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, टेंशन दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये समस्या हल आपके पास अगर कोई एंसर आता है आईटेल का, तो उसमें कोई सा अदर मोबाइल कोई सा आता है उसमें कैसे सोल्व कर सकते थे समस्या वाली। तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ मैं स्टेप बाई स्टेप। वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जो भी कमेंट में दिक्कत लगी कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया इसको फॉर से। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नीचे से जो मदरबोर्ड रहता है उसकी आईसी जो उधर से प्रॉब्लम है इसकी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा इस वीडियो में समझाऊँगा आपको। ठीक है, तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर क्या देखो, आप खोलने से पहले आपको पता चल गया होगा यहाँ पर देखो पानी लगा हुआ है यहाँ पर, देखो कितना मतलब इसका कुछ काई में गिरा हुआ है, मतलब मॉडल है पानी वानी में कुछ, इसलिए समस्या आती है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर समस्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा वाटर डैमेज भी है पानी। ठीक है, पहले बता दिया आपको मैंने। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, सबसे पहले अभी एक पेंट ये है इसमें करना गिरा था, इसको पूरा क्लीन करना। ठीक है, पूरा इसको मतलब जो मदरबोर्ड को पूरा इसको क्लीन करना, जो पानी इसका पानी वानी है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आईसी लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा छोटी सी, ये मतलब चार पॉइंट की आईसी लगी हुई है, मतलब ये वाली। ठीक है, यहाँ पर कटर ये लगा हुआ, इसमें ये आईसी लगी हुई है, यहाँ से दिक्कत आती है मतलब समस्या यहाँ से प्रॉब्लम आती है वाली, जो ऑटो डैमेज की वॉर्निंग। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले अपन करना है कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, इसको सही करने के सबसे पहले इसको सबसे मेन कारण है इसका सफाई। ठीक है, पूरा इसको क्लियर करना है, पेट्रोल सफाई से इसको क्लियर करके देख लेते हैं अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको। ठीक है, पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसको मैं, अगर उससे होता है कि नहीं होता है आपको मालूम पड़ जाएगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये, इसको क्लियर कर लेते हैं अपन यहाँ पर पेट्रोल से। तो मैं इसको क्लियर कर ले देख लेता हूँ मैं कि अपना मोबाइल का जो ऑटो चार्ज है वो मतलब बंद हुआ कि नहीं हुआ मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो अपन आगे स्टेप बाई स्टेप इसका जो भी पॉइंट है वो स्टेप बाई स्टेप करते रहेंगे इसका। ठीक है, दीजिए पैसे भैया। तो यहाँ पर इस चार्ज करंट को अपन क्लियर कर देते हैं, और इस आईसी को क्लियर कर। ठीक है, यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है, और यहाँ छोटे छोटे ये कंप्यूटर लगे हुए छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे कंप्यूटर भी लगे हुए इसमें, तो इसमें समस्या आती रहती है, यहाँ से कंप्यूटर से भी आती है। तो अपन साफ करके इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, पर इससे होता है कि नहीं होता है तो मालूम पड़ जाएगा अपना। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको समझ में आ जाएगा मतलब कोई सा अदर मोबाइल आएगा तो आपको कैसे उसको सोल्व करना है, वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हीटिंग मशीन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा हीटिंग कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाएगी इसकी, जो बैटरी वैटर थोड़ा सा फट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो को ज़रा सा थोड़ा सा मैं स्किप नहीं करूँगा, इस वीडियो में पूरा बताऊँगा आपको मैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पूरा क्लियर कर लिया है, और मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा पेस्ट लगा के इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा के और इसको रिबूट कर लेता हूँ आईसी को। तो इस तरह इसको रिबूट करना आईसी को स्टेप बाय स्टेप आपको। मेन समस्या ये रहती है कि इसको रिबूट कर लेना, रिबूट से अगर नहीं होता तो अपन स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे चलेंगे, जो भी पॉइंट है इसका वो करेंगे इसका सोल्व। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसको हीटिंग दे दिया है थोड़ा सा। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर मैं बैटरी लगा के इसको मैं चेक भी करवा दूँगा आपको यहाँ पर कि अपना जो ऑटो चार्ज है बंद हुआ कि नहीं वो। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसमें बैटरी लगा के इसको अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह अपन चेक कर लें अपने को। और देखो फिर वो समस्या हल नहीं हुई है, फिर भी वही बता रहा है। ठीक है, तो अपना मेन फंडा तो हट गया। ठीक है, जो क्लिंग का जो वाटर डैमेज का अब मेन समस्या है वो दिख लेता अपन, क्या कहाँ समस्या आ रही है इसमें। फिर से ओपन करना पड़ेगा अपने को पीसी भी मदरबोर्ड को। ठीक है, तो फिर मेन काम कहाँ रहता है, आईसी भी चलना। ठीक है, अपने जो भी आईसी जो इसकी आईसी है उसको फॉलो करना रहता है अपने को स्टेप बाई स्टेप, उनको फॉलो करेंगे अपन। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये आईसी है, आपको पहले बता दिया अपने इस वीडियो में कि यहाँ पर आईसी लगी रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 5 बेल आइकन बटन उसको ऑन कर देना। तो यहाँ पर अपन क्या जो इन जो कंप्यूटर सेट लगे हुए इनको अपन को निकालना। ठीक है, क्योंकि इसमें इसे इसको क्यों निकालना रहता है इन कंप्यूटर को कि ये शॉर्टिंग हो रहा है मतलब। ठीक है, कोई सा इन कंप्यूटर में कोई शॉर्टिंग है तो इन कंप्यूटर को निकालना। ठीक है, तो इसको दिए तो बैटरी ये प्लस का है, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी चलो मैं निकाल देता हूँ इसको। और ये वाला कंप्यूटर सेट है इसको भी निकालना क्यों। ठीक है, तो काम करने में अच्छा रहेगा अपने को। तो इस कंप्यूटर सेट को भी निकाल लेंगे अपन, ये भी आउटपुट का है मतलब, तो इसको अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, जहाँ से वोल्टेज आता है इसका चार्जिंग कनेक्टर से, तो इस कंप्यूटर सेट को अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर इसको। यहाँ पर छोटे छोटे कंप्यूटर लगे इस इनको भी निकाल लेता। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये शॉर्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे लगे हुए ये शॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। तो इसको अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा लगा हुआ, अभी नहीं निकालेंगे उसको, सबसे पहले मेन को निकाल लेंगे, इस वाले बड़े वाले को। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा अच्छा रहेगा इसको निकालने से। ठीक है, मेन फंदा क्या करनी होता है क्लीन से, तो मेन फंदा आईसी जो पास में जो कंप्यूटर लगे छोटे छोटे बारीक, उसको अपने को रिपेयर करना रहता है। तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है। ठीक है, इस तरह। तब यहाँ पर एक बार फिर इसको अपन चेक कर लेते हैं लगा के इसको कि अपना जो भी मेन फंडा था वो सही हुआ कि नहीं हुआ इसमें। वो यहाँ पर छोटा सा कवर सीट लगा हुआ, पहले इसको अपन नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो चाहे तो निकाल लो, सबसे पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लगा आपको दिख रहा होगा सामने, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसको पहले बैटरी लगा चेक कर लेते हैं कि उससे दूर हुआ कि नहीं हुआ। अपने दो कवर कैपेसिटर सेट निकाले अपन ने, तो मेन फंडा वही है कि मेरा फिर भी चार्ज हो रहा है ऑटो चार्ज। ठीक है, तो अपने कुछ भी नहीं करना, जो आईसी के पास जो डाउट रहता है उसको निकालना है और उसको नया डालना है। ठीक है, अपने को कुछ भी नहीं करना, आपने बस मेन समस्या वही है इसकी। तो क्या ये लगा हुआ काला सा यहाँ पर, इसको क्या अपन को निकाल देते हैं, क्यों शॉर्टिंग हो रही है इसमें, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, उसको निकाल देते हैं अपन। ठीक है, फिर लगा चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ऑटो चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये ऑटो चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा मोबाइल ऑन हो चुका हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कवर अगर वो आप वही चीज़ मैंने निकाला अभी वही डालोगे जब वो चार्जिंग शो होगा, नहीं तो शो नहीं होगा, चार्जिंग शो भी नहीं होगा। ठीक है, उसको डालना ज़रूरी है, अगर नहीं डाला वो चार्जिंग शो नहीं होगा। ठीक है, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।